many of us often say, sab kuch bekar hai, kuch chalta nahi hai, sab chor hai, and yet we do nothing about it. Now, one young man has decided he wants to try and change the system. He's launched his own political party and he's promising total revolution. What you're about to witness just now is a clash between two ideas of India. One is a great believer in the virtues of our system as it exists, and the other desperately seeks to change it. Ladies and gentlemen, at the India Today Youth Summit, please join me in welcoming a man who's made it cool to be a social activist. Let's hear a warm round of applause as I introduce to the stage Arvind Kejriwal. That's usually the sort of applause that's reserved for a rock star. And to represent the government on this clash of ideas, I now want to introduce to the stage Congress MP from Delhi, Sandeep Dikshit. Let's hear an equally warm round of applause for Sandeep Dikshit. First, invite upon stage Arvind Kejriwal, who spent the last several months telling the people of India, "Mera neta chor hai," and then decided to become a neta himself. So, Arvind, you know, for so long you wanted people to believe that your movement was completely apolitical, that you were in this to reform the system from the outside. Now, you want to be a politician just like everybody else. So, what's your idea, and how do we know for sure that the kind of politics that you will practice will be different from the kind of politics that you hate so much? Ladies and gentlemen, please welcome Arvind Kejriwal. Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Inqilab! Inqilab! Vande! मैं हिंदी में बात करूंगा, सबको हिंदी आती है? दोस्तों, पिछले डेढ़ साल से अन्ना हजारे के नेतृत्व में सारे देश के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग क्या मांग रहे थे? हम लोग मांग रहे थे एक जन लोकपाल बिल, जिससे अगर कोई इस देश के अंदर भ्रष्टाचार करे, अभी अगर इस देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार करता है, कलमाडी भ्रष्टाचार करता है, राजा भ्रष्टाचार करता है, कनीमोई भ्रष्टाचार करती है, किसी को जेल नहीं होती, सबको बेल होती है इस देश के अंदर। हम लोग ये मांग कर रहे थे कि अगर कोई इस देश के अंदर भ्रष्टाचार करे तो उसकी डेढ़ से दो साल के अंदर उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और उसको नौकरी से निकाला जाना चाहिए। हमने सब कुछ करके देख लिया, इनके सामने गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, इनसे मीटिंग्स की, इनको चिट्ठियां लिखी, तीन तीन बार आमरण अनशन किया, अपने शरीर को तकलीफ दी, लेकिन यह सरकार नहीं मानी। इस बार के अनशन के बाद एक बात साफ हो गई कि कोई पार्टी यह जन लोकपाल बिल नहीं चाहती, न कांग्रेस, न बीजेपी, न समाजवादी पार्टी, न बहुजन समाजवादी पार्टी, कोई पार्टी यह लोकपाल बिल नहीं चाहती। एक ही चारा बचा है कि इस पूरी की पूरी व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जब तक इस व्यवस्था को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, इनकी सत्ता को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक इस देश में परिवर्तन नहीं आने वाला। अन्ना एक फकीर आदमी है, एक मंदिर में रहते हैं, उनको क्या जरूरत है राजनीतिक विकल्प देने की, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव देने की? उन्होंने कहा, मैं इस देश को एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव दूंगा, मैं इस देश को राजनीतिक विकल्प दूंगा। क्या जरूरत है उस फकीर आदमी को मंदिर से बाहर निकल के इस देश की राजनीति में कूदने की? उनको मजबूर किया गया है, क्योंकि आज कोई भी पार्टी इस देश को भविष्य नहीं दे सकती है। और जब से हम लोगों ने कहा कि हम राजनीति के अंदर आएंगे, तो यही लोग अब हमें कहने लगे। पिछले साल तक कहते थे कि अगर कानून बनाना है तो संसद में आ जाओ,
अब हम कह रहे हैं कि हम संसद में जाएंगे तो कहते हैं सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के लालची हैं, सत्ता के लोभी हैं। मैं ये सोच रहा था, मैं पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर होता था। एक कमिश्नर की पावर, संदीप जी बताइएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, एक कमिश्नर की पावर एक ऑर्डिनरी सांसद से कहीं ज्यादा होती है। इनकम टैक्स कमिश्नर की पावर, एक सांसद को तो 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपए मिलते हैं साल के। संसद के अंदर वो एक अपनी पार्टी का बॉन्डेड लेबर होता है, पार्टी की मर्जी के बिना वो सांसद कुछ नहीं कर सकता संसद के अंदर। एक इनकम टैक्स कमिश्नर तो किसी के घर पे भी रेड मार सकता है अपने एरिया के अंदर, किसी को समन कर सकता है, प्रॉपर्टी सीज कर सकता है। लेकिन मैं ये सोच रहा था, जब मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर बना तो पूरे एरिया के अंदर मेरे दोस्तों ने लड्डू बांटे, मेरे परिवार वालों ने, किसी ने ये नहीं कहा कि सत्ता का लालची है, सत्ता का लोभी है, सत्ता का, किसी ने ये नहीं कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा रहा है, बड़ा भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, दलदल है, भ्रष्टाचार का दलदल है। लेकिन जब हम कहते हैं हम राजनीति में जा रहे हैं तो कहते हैं सत्ता का लालची है, सत्ता का लोभी है। तो इन लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है देश के अंदर कि ये राजनीति करना तो केवल गुंडों का काम है, अच्छे लोग इसमें नहीं जाने चाहिए, ये इन्हीं के लिए छोड़ दो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, लाल बहादुर शास्त्री ने चुनाव लड़े थे, लाल बहादुर शास्त्री देशभक्त थे कि सत्ता के लालची थे? बाबा साहब अंबेडकर ने चुनाव लड़े थे वो सत्ता के लालची थे कि देशभक्त थे? सरदार पटेल ने चुनाव लड़े थे वो सत्ता के लालची थे कि देशभक्त थे? उन दिनों में अगर आप राजनीति में जाते थे तो ये कहा जाता था कि ये देशभक्त आदमी है। आज अगर आप राजनीति में जाते हैं तो कहा जाता है कि सत्ता का लालची है। इन लोगों ने यह हाल किया है और इसी को बदलने के लिए हम सब लोगों को, अच्छे लोगों को इसके अंदर जाना पड़ेगा, राजनीति के अंदर जाना पड़ेगा, मजबूरी है हम लोगों की। क्या पॉलिटिक्स बदल सकती है? मैं और मनीष एक दिन अपने ऑफिस में अभी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, एक आदमी आया, आके कोने में बैठ गया। मैं मनीष को कह रहा था कि मनीष अगर ये राजनीतिक क्रांति, हमारी कोई पार्टी नहीं होने वाली, कागजों में पार्टी होगी लेकिन ये पार्टी नहीं होगी, एक राजनीतिक क्रांति होगी जो पूरे देश को स्वीप करने वाली है। मैंने मनीष को कहा कि अगर ये आंदोलन संसद के अंदर पहुंचता है तो किसी को लाल बत्ती की गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए, ये बड़े बड़े बंगले नहीं मिलने चाहिए, एक आम आदमी की तरह हमारा सांसद या हमारा विधायक, हमारा एमपी एमएलए एक आम आदमी की तरह एक रूम के फ्लैट में रहना चाहिए। ये जो सिक्योरिटी इन लोगों को मिलती है इतनी सारी, ये सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी आम आदमी के लिए होनी चाहिए, इन सांसदों इन मंत्रियों के लिए सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ये जितना डिस्क्रिशनरी कोटा एमपी एमएलए को मिलता है ये बंद होना चाहिए, इनके एमपी एमएलए फंड बंद होने चाहिए। तो मैं मनीष से ये बात कर रहा था, वो आदमी कोने में बैठा हुआ सुन रहा था, थोड़ी देर बाद उठ के मेरे पास आया, आगे कहता है जी, हमने कहा सर बताइए क्या काम है, कहता है जी मैं आया तो आपकी पार्टी की टिकट लेने था लेकिन आपकी बातें सुन के लग रहा है कि टिकट लेके करूंगा क्या जब कुछ मिलना ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये कुर्सी की प्रॉब्लम है, इस कुर्सी के अंदर हमने इतनी ज्यादा पावर और इतनी ज्यादा पर्क्स भर दी हैं कि अगर इसको हटा दिया जाए तो मुझे लगता है अच्छे लोग वहां पे जाना शुरू कर देंगे। साथियों अंत में मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आम लोगों का जनता का आंदोलन था, जनता की मर्जी की वजह से अन्ना को यह राजनीतिक विकल्प देने की बात करनी पड़ी और अब ये जनता ही संसद के अंदर जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी इस देश को भविष्य दे सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दे सकती है? क्या बीजेपी इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दे सकती है? क्या कोई भी दूसरी पार्टी इस देश को भविष्य दे सकती है? इसीलिए मैं आप सब लोगों से आज आह्वान करना चाहता हूं कि ये जो राजनीतिक क्रांति की शुरुआत हुई है इस देश के अंदर, इसमें आप सब लोग शामिल हो, सब लोग जुड़े, क्योंकि मुझे लगता है ये हम लोगों के लिए आखिरी मौका है। अगर ये मौका खो गया तो अगला मौका पता नहीं 40 साल या 50 साल के बाद आएगा। भारत माता की। लेट्स नाउ इन्वाइट संदीप दीक्षित टू द स्टेज प्लीज। लेट्स नो नो वी हैवंट गॉट इनटू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन येट, प्लीज सिट डाउन। Let's invite Sandeep Dikshit and hear from him on why the system isn't quite as bad as people on the outside make it to be. Ladies and gentlemen, let's hear it for Sandeep Dikshit. Arvind ji ke baad mujhe nahi lagta bolna bahut aasan hai. Na us vishay pe jis vishay se kaha gaya mujhe bolne ko. Lekin pehli cheez main kahunga और जो सीधे मुझे
अरविंद जी की बातों से भी जो प्रभावित होता हूं, उनके आंदोलन से भी जो प्रभावित होता हूं, और 1.5-2 साल से जो भी हुआ है उससे भी प्रभावित होता हूं। आज की व्यवस्था में, आज के दलों में अगर कोई कहे कि कमजोरियां या गहन कमजोरियां नहीं है तो ये गलत बात है। अरविंद जी की बात, अरविंद जी की आंदोलन को जो बढ़त मिली वो इस बात का ही नतीजा है कि हमारी संस्थाओं में, जिनका मैं भी एक सदस्य हूं इसलिए मैं उसको से कोई अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूं, उनमें समय लेकर एक कमजोरियां आई हैं। और सबसे इसमें मुझे जो लगता है सशक्त बात आई है, अरविंद जी बाकी राजनेता कुछ भी कहें आपके बारे में, मैं इस बात से संतोष करता हूं कि आपने वो कदम उठाया है जिसमें आपके और आपके मित्रों के व्यक्तित्व से हमारे इस समाज की, इस राजनीतिक संरचना को और बल मिलेगा। बात केवल एक नई पार्टी बनने की नहीं होती है, कई बार हम पार्टी में एक दूसरे के प्रतिबिंब भी बन जाते हैं। जब आप कुछ पार्टियों का नाम ले रहे थे, पूछ रहे थे क्या आगे आने वाले समस्याओं का हल ये दे पाएंगे, तो स्वाभाविक है कि ज्यादातर लोगों ने कहा नहीं। वो इसलिए क्योंकि शायद हम एक दूसरे का प्रतिबिंब ज्यादा है, एक दूसरे की गलतियों को और एक दूसरे की कमजोरियों को सुदृढ़ करने की हमारी शायद क्षमता आज उतनी बलपूर्वक और प्रभावशाली नहीं है जितनी शायद राजनीतिक दलों की होनी चाहिए। लेकिन अरविंद जी एक और बात है जो मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक ये भी था कि हम अपनी आवाज कैसे सुनाएं और अपने वोट को प्रभावशाली कैसे करें। आवाज को प्रभावशाली करने वाले संगठनों की भी बहुत आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा, आपके और आप जैसे विचार के लोग जब राजनीति में आते हैं तो उसमें एक बदलाव अवश्य लाएंगे, बाकी तो समय बताएगा। आज तो आशा से हम कह सकते हैं और आशा हमेशा ही सकारात्मक होनी चाहिए, लेकिन एक चीज है, कभी कभी हमें अपना चेहरा दिखाने के लिए वो आईने भी चाहिए। और इसलिए अगर वोट और वोट बटोरने वाली या वोट आकर्षित करने वाली प्रभावशाली संस्थाएं चाहिए तो आवाज प्रबल करने वाली, उन संगठनों को आईना दिखाने वाली संस्थाएं भी उतनी ही जोर से चाहिए। और दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करके, एक दूसरे का समन्वय बनाकर एक शायद बेहतर राजनीति की रचना करती हैं, ये बेहतर राजनीति को आगे बढ़ाती हैं। मैं ना यहां अपनी पार्टी ना अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए या उसके बचाव में कुछ कहने आया हूं, मैं इस बात को यहां कहने आया हूं कि अगर आपके मन में पिछले 1.5-2 साल के बदलावों से आशा है तो मेरे मन में भी आशा है। भले जिन संगठनों से, जिन संस्थाओं से, जिन विचारधाराओं से हम जुड़े हैं उनमें आज कुठाराघात होता हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब बदलाव आता है तो सबकी बेहतरी उसमें होती है। अगर हम में कमजोरियां हैं तो हम सशक्त रूप से आगे उभर कर आएंगे, नहीं तो हम उस मरुस्थल में कहीं ना कहीं खो जाएंगे। और अगर हम अपने आप को बदलाव उस रूप में कर पाए जो आपकी और देश की जनता की आकांक्षाओं के साथ ढलता है, तो शायद हम सब मिलकर, और हम में से जो बेहतर लोग हैं शायद वो ज्यादा शक्तिशाली रूप में मिलकर एक बेहतर समाज की, एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण कर पाएंगे। मैं अरविंद जी इस बात से अपनी बात अंत करूंगा कि आपका, आपके आंदोलन का, उसके राजनीतिकरण का व्यक्तिगत रूप से मैं स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आपके राजनीति आने में हम लोगों को एक प्रतिद्वंदी तो मिलेगा लेकिन एक साथी भी मिलेगा। और जिस तरीके से आपके और आपके साथियों ने कई कई बार हम लोगों को रास्ता भी दिखाया है, हम उससे इत्तफाक रखते हो ना रखते हो वो अलग बात है, रास्ते दिखाना ही अपने में एक बदलाव का कारण बन जाते हैं, उस तरीके से आगे भी आपका साथ यूं ही हमको और इस राजनीतिक व्यवस्था को हमेशा मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Arvind, you know, one of the key things when you launch a political party is to have a plan about how you intend to win. Because the one thing you've said very often is that without money, without muscle power, you can't win elections, which is why you resisted the political foray for so long. And in all the past instances, whether it is a Captain Gopinath, a Malika Sarabhai, Meera Sanyal, all clean individuals who gave up what they were doing to join
the hurly-burly of elections, all of them had their deposits forfeited. So are you concerned that the same could happen to you as well, that you know, you get this crowd to respond, but these claps, these cheers don't really necessarily get you into parliament? I completely agree. मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने कहा ये आंदोलन लोगों का था और ये पूरी जो पार्टी हम बना रहे हैं ये जो आंदोलन को अब संसद में ले जा रहे हैं ये भी लोगों का ही है. ये जीत हमारी नहीं है, ये हार भी हमारी नहीं है. ये जीत या हार टीम अन्ना की नहीं है, ये जीत या हार अन्ना की नहीं है. ये जीत या हार आपकी है, ये जीत या हार इस देश की जनता की है. अगर इस देश की जनता खड़ी हो गई, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले एक 50 औरतों की भजन मंडली है वहां पे गया था, उन औरतों ने कहा कि जब आपकी पार्टी बनेगी तो हम घर घर जाके कैंपेनिंग करेंगे. जिस दिन इस देश की हर औरत अपने घर से निकल के हमारे लिए कैंपेनिंग करने लग गई, जिस दिन इस देश का हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर यूथ अपने घर से निकल के कैंपेनिंग करने लग गया, ये तो इन्हीं की जीत है, इन्हीं की हार है. हमें पैसे की क्या जरूरत है उसके बाद, बिना पैसे की जीतेगी? और ये जनता जाएगी संसद के अंदर, हम नहीं जाएंगे संसद के अंदर. Sandeep, you said that this is your voice, your vote. You know, people sitting over here, Sandeep, people sitting over here might feel that ye aapki, chaliye Hindi mein, ki ye unka vote hai, lekin unki awaaz nahi. Mere paas kuch aankde hain. Patrick French ne ek kitab likhi hal mein, unhone kaha ki 29% hi jo is waqt ke hamare sansad hain, wo rajneetik gharanon se aate hain. Aapki maa Delhi ki mukhyamantri hain, aap rajneeti mein aaye. कांग्रेस के ही 38% ऐसे सांसद हैं जो कि राजनीतिक घरानों से आते हैं. तो ये इन लोगों का वोट है लेकिन इन लोगों की आवाज नहीं, क्योंकि आवाज केवल और केवल राजनीतिक घरानों की आवाज है. नहीं, राहुल जी, मैंने ये नहीं कहा था कि आवाज किसी की है और वोट किसका. मैंने ये कहा था कि राजनीति में आवाज उठाने वालों की भी उतनी आवश्यकता है जितने वोट लेने वालों की है. और अगर क्योंकि हम लोग कभी कभी राजनीति को एक बड़े छोटे पहलू में समझ लेते हैं कि सिर्फ पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, चुनाव लड़ना ही राजनीति है. बल्कि अरविंद जी मुझसे इत्तफाक रखेंगे, अरविंद जी इस बात को कहते थे कि जब इनको कोई लोग चुनौती देते थे कि नहीं आप लोग राजनीति में क्यों नहीं आते, तो ये कहते थे राजनीतिक हम हैं लेकिन राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है. मैं उस संदर्भ में बात बता रहा था. आपका जो बात कहना है कि क्यों परिवारों से लोग बेहतर आते हैं, वो इसलिए है क्योंकि संगठनों में जिस तरीके से उनकी संरचना बनी है, जिस तरह से उनमें आप कहो कमजोरी आई है या शक्ति आई है, दोनों तरफ से कह सकते हैं, उसमें ही एक व्यवस्था ऐसी बनी कि जो लोग इस प्रणाली से जुड़े हुए थे उनको आसान रास्ते मिले इसमें आने के लिए. और मेरे ख्याल से वो कारण है कि बाहर के लोग उसमें कम. नहीं, आपको नहीं लगता कि ये गलत है? ऐसा नहीं होना चाहिए. दोनों है, दोनों है. अगर मैं कहूं गलत है तो मैं कहूंगा मेरे भी राजनीति में आना स्वयं गलत है. अगर मैंने वो निर्णय लिया है तो फिर मुझे उसका उसके बारे में अपना पक्ष भी रखना पड़ता. मैं कह रहा हूं गलत इसलिए भी हो सकता है कि औरों को आप वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आप हमेशा 100 मीटर की रेस में अगर आप 20 मीटर आगे से दौड़ रहे हैं तो 0 मीटर वाला कभी आप तक पहुंच भी नहीं पाएगा. वो बात मैं मानता हूं, लेकिन ये भी मानता हूं व्यवस्था कई जगहों पे ऐसी है. अगर कई दल हैं, चाहे अरविंद जी हों चाहे और हों, इस व्यवस्था में परिवर्तन ला पाते हैं तो मैंने जैसे कहा शायद बेहतर राजनीति का निर्माण होगा. ये बताइए आप दोनों. मैं एक चीज बोलना चाहता हूं. मुझे लगता है ये बात केवल कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी में भी अगर आपके पिताजी या माताजी पॉलिटिक्स में है तो आपको टिकट मिलती है. इस डायनेस्टिक रूल को भी तोड़ना है, ये भी हमारी राजनीति का आज अभिशाप है, ये कर्ज है हमारी राजनीति का, इसको भी तोड़ना पड़ेगा. आज एक एक टिकट लेने के लिए 2-2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं हम लोगों को, इसको बंद करना पड़ेगा, अब ये नहीं चलेगा. तो हम लोगों ने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी के टिकट हम लोग नहीं देंगे, जनता देगी. जनता के बीच में जैसे यूएसए में प्राइमरीज होते हैं, जनता से पूछा जाता है कि आप किसको टिकट देना चाहते हो, जनता टिकट देना चाहिए. दैट इज किसी के पिताजी या माताजी वो हैं राजनीति में इसीलिए उसको टिकट में ले, ये गलत है. 2-2 करोड़ रुपए देके टिकट लेना ये भी गलत है. संदीप, क्या आपको खास चिंता इस बात की है कि अगर अरविंद चुनाव लड़ते हैं, ये भी ईस्ट दिल्ली से आते हैं, आप भी ईस्ट दिल्ली से आते हैं, तो हो सकता है कि 2014 में आपका मुकाबला इन्हीं से हो, इसलिए अभी से कह रहे कि मैं तो अरविंद की ही साइड पे हूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है. अरविंद जी को मैं काफी समय से जानता हूं, पर वो बात अलग है. देखिए, राजनीतिक चुनाव में जो भी सामने आएगा वो राजनीति में उस चुनाव में मेरा प्रतिद्वंद्वी होगा. हम हैं, हमारे दल हैं, हमारी बात है, हमारा काम है, अच्छा हो बुरा हो उसको सामने पेश करके हम जनता के बीच में जाएंगे, वो अलग बात होती है. लेकिन देखिए, एक चीज मैं और बताऊं, राजनीति को केवल चुनाव और चुनाव के जीत हार से में सिमट के रख देना एक बहुत बड़ी कमजोरी है हम सब.
और कई बार हमने देखा है कि उसको सिमट के रखने में, जो उसके बहुत और से बदलाव करने में जो उसके उसकी शक्तियां आ सकती हैं, वो हम कहीं खो बैठते हैं। इसलिए ये मेरे सामने आते हैं, इनकी पार्टी का कोई सामने आता है, मुझे दोबारा टिकट मिलती कि नहीं, वो तो सब सवाल है जब 2014 में पहुंचेंगे। लेकिन ऑल दैट आई कैन से इज इफ देयर इज अ वर्दी ओपोनेंट देन ही इज, इफ देयर इज अ वर्दी ओपोनेंट देन ही इज, दैट्स अ वेरी बिग कमेंट कमिंग फ्रॉम यू। अरविंद केजरीवाल छोड़ेंगे अब तो, तुमने वर्दी ओपोनेंट बोल दिया, ये सीट छोड़ दीजिए, दूसरी पकड़िएगा कि यही पकड़िएगा आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, संदीप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और आंदोलन के दौरान इन्होंने लोकपाल बिल के ड्राफ्टिंग में काफी मदद की थी, हालांकि इनकी पार्टी नहीं मानी इनकी बातों को, संदीप जी बहुत अच्छे मित्र हैं जी। क्योंकि कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं उन सबको चिंता हो रही कि अरविंद कहां से लड़ेगा, उसकी सीट थोड़ी फंस सकती है, तो ये बात तो है ही। लेकिन अरविंद कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो पहले टीम अन्ना थी अब वो टीम अरविंद बन गई है। आपने एक मुहिम शुरू की भ्रष्टाचार के खिलाफ, सब लोग आपके साथ जुड़े, अब आप पूरी तरीके से राजनीति में आ गए, और जितने भी लोग आपके साथ थे, किरण बेदी हुई, संतोष हेगड़े हुए, सब एक एक करके साइड हो रहे हैं। अन्ना ने भी कह दिया कि मैं बाहर से ही इसको सपोर्ट करूंगा, तो आपको नहीं लग, सब कहते हैं कि अरविंद की मनमानी चलनी चाहिए, जो अरविंद ने कहा वही सही बाकी सब गलत, आपको नहीं लगता कि आप एकदम, आप कहते हैं कि आप डेमोक्रेसी के पक्ष में हैं, तानाशाही के खिलाफ हैं, लेकिन कहा जाता है कि आप जिस तरीके से चलाते हैं खुद तानाशाह हैं आप? नहीं, ये सब गलत है, आप मीडिया वालों ने गलत सलत बातें फैलाई हुई हैं। गलत बोल रहे हैं ना ये तो बाकी लोग तो है नहीं आपके साथ। मैं आपको पहली बात तो ना ही टीम अन्ना थी और ना ही टीम अरविंद है, ये इस देश के लोग हैं जो देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और किरण जी, जस्टिस हेगड़े, उनके कुछ व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है वो लोग भी बाहर से समर्थन करेंगे। अन्ना जी ने ये पोजीशन ली है और आई थिंक हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अन्ना जी बाहर से, अगर आपको याद हो जंतर मंतर पे उन्होंने भाषण दिया था कि मेरी टीम संसद में जाएगी लेकिन मैं बाहर रहकर इन पे नजर रखूंगा, अगर ये लोग कुछ भी गलत करते हैं तो मैं इनके कान पकड़ के खींचूंगा। सो अगर ऐसा मॉरल फोर्स हमारे ऊपर रहता है तो हम कुछ भी गलती करेंगे, कहीं भी फिसलेंगे, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अन्ना जी हमें ठीक रास्ते पे लेके आएंगे। संदीप, आपको नहीं लगता कि जो वर्तमान पार्टियां हैं और नेता हैं, उन्होंने अपनी हरकतों की वजह से जितने भी लोग इस ऑडियंस में हैं उनका विश्वास राजनीति में तोड़ दिया, उनको लगता ही नहीं कि, इसलिए जब नारा निकलता है सड़क से कि मेरा नेता चोर है, तो लोगों को लगता है हाँ ये सही बोल रहा है, क्योंकि जैसे ये पूरा मानसून सत्र हुआ, पूरे का पूरा वॉशआउट हो गया, कुछ भी चर्चा नहीं हुई, बहस नहीं हुई, 2G है, कोलगेट है, इतने सारे स्कैम्स हैं कि जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है हमारी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की वो एकदम जीरो पे आ गई है या फिर नेगेटिव में चली गई। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि कई दलों में, और इसमें मैं कौन क्या ज्यादा है वो तो नहीं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आचरण से, अपनी एक्टिविटी से एक परछाई तो पूरी राजनीतिक, पूरी जो एक व्यवस्था है उस पर रखी है, और जैसे कहते हैं कभी कभी एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करने में, कम से कम गंदा दिखने में सामने आती है, और वही कारण है कि एक आवाज, जैसे आपने कहा, आवाज उठ रही है। हां, ये समझ लेना कि नहीं हर व्यक्ति इस बात में पूरी तरह से विश्वास करेगा, और क्या जो आप अभी है वो सब पूरी तरह खराब है, उसमें सब गलत है, ऐसा नहीं है। इस समय एक उबाल है, उस उबाल के पीछे जो कारण है वो जमीनी कारण है, जो कारण है वो ऐसा नहीं है कोई कि हवाई कारण है। हम लोगों के आचरण में गलतियां हुई हैं, हम लोगों के नेतृत्व में, हम लोगों के जो सीनियर्स रहे हैं और लोग रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं शायद जो नई भावनाएं इस देश में बन रही थी, नई एस्पिरेशन बन रही थी, जो नए लोग आ रहे थे धीरे धीरे 18-20-25 साल के हुए, उनकी आकांक्षाओं से अपने आप को नहीं जोड़ पाए, ये नहीं समझ पाए कि जिस तरीके की एक सामंती राजनीति पहले के दशकों में चलती थी शायद आज नहीं चल पाएगी। तो दोनों, हमने वो कनेक्ट भी खोया है और एक जगह शायद उस तरीके से जो जुड़ना चाहिए लोगों से नहीं जुड़ पाए। आपको लगता है कि अरविंद का पॉलिटिकल मूवमेंट कामयाब होगा? ऑल द बेस्ट, आई थिंक आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम इन ऑल द अदर 542 सीट्स की एक सीट तो आप ले जाएंगे, बाकी सीटों का क्या होगा, वो ईस्ट दिल्ली की सीट ना हो बेचारे, वो बड़े परेशान है सभी। नहीं तो ये बताइए, बट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेर आर द 543 कैंडिडेट्स हु कैन फाइट, बिकॉज समवन लाइक अ किरण बेदी हु माइट हैव बीन एबल टू विन हर ओन सीट, शी सेज शी डजंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अरविंद पॉलिटिकल मूवमेंट, शी वांट्स टू स्टे आउट ऑफ इट, एंड यू हैव सेड दैट शी इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द बीजेपी और शी डजंट वांट टू अटैक द बीजेपी, सो वेर आर द 542 विनेबल कैंडिडेट्स हु कैन ब्रिंग अबाउट द रेवोल्यूशन दैट यू प्रॉमिस हर? So, दो पार्ट है आपके क्वेश्चन के। पहली चीज, मुझे लगता है 120 करोड़ लोगों के इस देश में हम 542 अच्छे और ईमानदार लोग जरूर ढूंढ सकते हैं।
ये इतना बड़ा काम नहीं है, उसको अगर हम उसका दायरा केवल नेताओं के बच्चों तक सीमित रखेंगे तब तो 542 मिलने मुश्किल है, लेकिन अगर हम पूरे देश भर में ढूंढने चलेंगे तो 542 बहुत अच्छे। दूसरी बात, आपने कहा विनेबल, अगर इस देश के अंदर लोगों को एक उम्मीद जागेगी कि अब तो बदलाव आएगा, अब तो भारत बदलेगा, और वो उम्मीद जागी है पिछले 1.5 साल के अंदर, अगर ये उम्मीद बरकरार रही और अगर ये उम्मीद बढ़ी और लोगों को लगा कि अब ये राजनीतिक क्रांति आ रही है और अब भारत बदलेगा, मैं आपको बता रहा हूं 542 के 542 लोग जीतेंगे। Alright, let's take some questions from the audience. Okay, I will be a very unpopular man at the end of this. Let's begin with this gentleman in the white kurta right in the front. केजरीवाल साहब, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा ये मूवमेंट आपने स्टार्ट किया उसके लिए, एंटी करप्शन का जो भी है। आप सवाल छोटा रखिए, सवाल छोटा है। आप जनलोकपाल बिल का डिमांड कर रहे हैं सरकार से, लेकिन जो करप्शन होता है उससे हमें फायदा होता है कई बार, इसलिए हम करप्शन करते हैं। लेकिन क्या ये नहीं होना चाहिए कि हमें इतनी वैल्यूज दी जाए कि हम करप्शन हो करें ही ना किसी फॉर्म में भी? क्या आपको नहीं लगता हमें इस चीज पर फोकस करना चाहिए, सबको इतना एजुकेट कर दें कि वो करप्शन करें ही ना कि एक बिल के पीछे बढ़ जाए, ताकि पूरा देश हमेशा के लिए सुधर जाए? कोई छोटा मोटा बिल तो बहुत है आज तक हमारे पास, इतनी वैल्यूज देते हम लोगों को कि करप्शन करना ही चाहे, तो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एजुकेट किए ना कि पार्टी बनानी सोचिए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा। जब पिछले साल अन्ना जी रामलीला मैदान में अनशन पे बैठे थे तो एक पुलिस वाला मेरे पास आया, कहता है जी मैं 16 साल से रिश्वत लेता था लेकिन पिछले 10 दिन से मैंने रिश्वत नहीं ली, और जितना आनंद मैंने इन 10 दिनों में अनुभव किया 16 साल में कभी आनंद अनुभव नहीं किया। उसको कोई वैल्यू सिस्टम देने नहीं गया था, उसको कोई वैल्यू एजुकेशन देने नहीं गया था, उसकी इंसानियत जाग पड़ी, उसकी आत्मा रो पड़ी। अभी जब हम लोग 25 जुलाई से अनशन पे बैठे थे, एक व्यक्ति की ऑल्टो गाड़ी 1.5 साल पहले चोरी हो गई थी। वो व्यक्ति गुड़गांव के पुलिस स्टेशन पे जब अन्ना जी अनशन पे बैठे थे वहां पे गाड़ी छोड़ गया। उस गाड़ी के ऊपर अन्ना जी का स्टिकर लगा हुआ था और उसके वाइपर पे उसने एक पर्ची छोड़ी कि अन्ना जी की गाड़ी, अन्ना जी को मुबारक। उस चोर को कोई वैल्यू एजुकेशन नहीं देने गया था। जिस दिन जन भावनाओं का सैलाब जागता है देश के अंदर, तो किस तरह से इंसानों की पूरे हजूम के हजूम बदल जाते हैं, हम विश्वास भी नहीं कर सकते। Alright, thank you. No, let's get some more questions, please, from the gentleman in the blue shirt. The gentleman here in the blue shirt. सर, आपकी स्पीच बहुत इंस्पिरेशनल थी, आपकी ये पूरी कॉन्वर्सेशन। बट हम लोग एज अ यूथ, हमसे आपको क्या चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमें वो एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि हम लोग आगे बढ़ सकें, आपका साथ दे सकें, मतलब डायरेक्टली आपका साथ दे सकें। हमारे पास ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ये आंदोलन अभी तक सड़कों पे चल रहा था, अब ये आंदोलन सड़क से उठ के अब संसद तक जाएगा, संसद में भी आंदोलन होगा और सड़क में भी आंदोलन होगा। उसमें सबसे अहम भूमिका इस देश के यूथ को निभानी पड़ेगी। ये हमारी वजह से नहीं हो पाएगा। आप लोगों को अपने अपने घरों से निकल के, पूरे इलाके के अंदर घर घर जाके आपको लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और लोग इन सारी पार्टियों को नकार के इस आंदोलन को वोट करें, ताकि ये आंदोलन जाके संसद को आंदोलित कर सके। तो आप सब लोगों को उसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मेरा सवाल संदीप जी के लिए है। जैसे कि हमें दिख ही रहा है कि अभी इलेक्शंस आ ही रहे हैं दिल्ली के, तो जो ये सरकार ने डिसीजन लिया है इलीगल कॉलोनी को रेगुलराइज करने के लिए, तब ये सरकार कहां थी जब ये एक्चुअली में लोग इलीगली उस जगह पर आ रहे थे? क्यों नहीं उन्हें तभी रोका गया बजाय कि अब इन्हें रेगुलराइज किया जाए? मैम, इलीगल कॉलोनीज का बनने का बहुत सीधा था। इट वॉज फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ओवर लास्ट 25-30 साल। जो हाउसिंग जिस तरीके से दिल्ली में देनी थी वो नहीं दिए, चाहे 8-10 साल में इसमें भारत सरकार में, दिल्ली की सरकार में कांग्रेस की रही हो, चाहे उसके बाद किसी की रही हो, कलेक्टिव फेलियर डीडीए का और उनकी संस्थाओं का था। अगर 35-40 लोग आकर दिल्ली में
उन कॉलोनीज में रहें जहां वो जानते थे इलीगल है, इसका मतलब है घर की आवश्यकता थी और हम लोग घर प्रोवाइड नहीं कर पाए। लेकिन मसला ये कि जब इन लोगों ने कीमतें देकर जमीनें खरीदकर घर खरीदकर अपने घर बनाए तब क्या उनको उजाड़ दें आज? इसलिए सरकार का निर्णय हुआ था कि नहीं, इनको लीगल किया जाए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, लीगल इलीगल केवल एक लैंड यूज का इशू है, ये कोई नहीं है कि इन्होंने किसी की जमीनें हथिया ली हैं या इलीगल में कोई चोरी कर ली है या किसी की जमीन ले ली है जो इनकी अपनी थी। ये सामान्य लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जो जाते हैं जहां कहीं घर मिलता है उसको ले लेते हैं। सबको नहीं ठीक से पता है कि वो जमीन का एग्रीकल्चर लैंड यूज है या रेजिडेंशियल लैंड यूज है, इसलिए उन लोगों की दिक्कत नहीं थी। जब कोई घर नहीं मिलेगा, नौकरी दिल्ली में ही मिलेगी, काम दिल्ली में ही मिलेगा, तो इसलिए वो आकर बसे। और जो तमाम संस्थाएं रही, चाहे एमसीडी रही हो, चाहे एसडीएम रहे हो, चाहे रेवेन्यू के अधिकारी रहे हो, 25-30 साल उन्होंने इस प्रक्रिया को रोका, रोक भी नहीं सकते थे क्योंकि लोगों को हाउसिंग की आवश्यकता थी। But Sandeep, one of the big reasons why people are so disenchanted with politics is because no matter what happens, no matter which scam you're a part of, you ultimately get away. See what happened with Suresh Kalmadi and the Commonwealth Games scam. You know, he was at the forefront of the loot, and yet when the charge sheets get filed, his name is nowhere there. Similarly, the Shunglu committee comes out and puts a report which talks about various lapses. Just because they happen to be in government, no action is taken against them. So people feel that, you know, you can do what you want, make all the money you want, and you can get away with it. See, a lot depends on the you know, the system of evidence and the system of courts. And usme jo Arvind ji ki baat thi ki ek lokpal aana chahiye, I think uski avashyakta hai. हमारा इनसे मतभेद हो सकता है, उसके कई पैरामीटर्स। ओके, इनका भी वो कहना था, और जो एक जनरली भावना है कि कई बार कई ऐसी चीजें होती हैं जो आज की प्रणालियों के अंदर, उन पर शायद हम लोग ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। और शायद एक ऐसी प्रणाली जो जिससे ज्यादा लचीली होगी, जिसके पास ज्यादा अधिकार होंगे, जो शायद उन जगहों पर जाकर खोजबीन कर सकेगी और छानबीन कर सकेगी जहां सामान्य प्रशासन या प्रशासनिक प्रणाली नहीं जा सकती है। इसलिए इनका भी ये मानना था और कई लोगों का मानना था। आप कह रहे हैं कि लोकपाल आना चाहिए, वो तो 40 साल से हम सुन रहे हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत, इस समय मैं अपनी राय दे सकता हूँ, संस्थाओं की और सरकार की। क्या देखिए, इस समय सरकार में और इनके बीच में गतिरोध केवल कुछ उनके मुख्य बिंदुओं पर बना हुआ है। नहीं, पर आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी है वो भी तो ठंडी पड़ी हुई है, उसने मानसून सत्र तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी थी। ज्वाइंट कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी, उन्होंने मुलाकात भी नहीं की, उनकी रिपोर्ट तैयार भी नहीं हुई। विंटर सेशन में बनेगी नहीं बनेगी तो 40 साल हमें इंतजार किया, 40 साल। मैं ये कह रहा हूं, मैं इस बात का आज भी समर्थन करता हूं, तब भी करता था, कि लोकपाल की आवश्यकता है, एक ऐसी रचना की आवश्यकता है जो आज की विषमताओं को, जटिलताओं से अलग हटके इस समाज में सुधार लाने की कोशिश करे। लोकपाल का मतलब केवल ये नहीं है, देखिए इसमें मैं थोड़ा सा अरविंद जी से इत्तफाक नहीं रखता हूं कि सबको जेल भेजना है। बात यह है कि हर व्यक्ति के अगर मन में इस बात का भय हो जाएगा कि अगर मैं आज दिक्कत करता हूं तो समान तरीके से मैं बच नहीं पाऊंगा, कहीं ना कहीं मैं पकड़ा जाऊंगा, तो अपने आप स्वाभाविक रूप से इंसान जो है एक बेहतर प्रक्रिया अपनाएगा। जो किसी ने यहां सवाल पूछा था अरविंद जी से कि एक वैचारिक रूप में क्रांति हो, वो अलग बात है। Question. Don't kill me at the end of it, but I want to try and answer as many questions. Hello. Yes, please go ahead. First of all, we are more fan of Rahul than other people sitting. But I would like to just defend a question which you asked, Sandeep. One thing, on family politics. Audience can tell me, if he becomes a IAS officer, what Arvind will say on this? If he becomes a contractor, what Arvind will say on this? He becomes anything, it will be because of the corruption, Arvind will say. So he can not become anything other than politician. So 38% politicians are family, from family. 80% doctors are from doctors' family. I would request that people ask questions instead of making political. So that I'll ask questions. We'll leave that for an election. I'll ask question from Arvind, that he was asking all close-ended question. कि आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, व्हाई डजंट आस्क ओपन क्वेश्चंस? इन नो फोरम ही आस्क ओपन क्वेश्चंस, ओनली क्लोज इन दिस क्वेश्चन ही गिव्स वर्ड्स टू माउथ एंड देन इट कम्स फ्रॉम यंगर ऑडियंस। ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। लेट्स टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट लेडी इन द रेड शर्ट ओवर देयर। यस प्लीज, यस, वन बाय वन प्लीज, दैट लेडी इन द रेड शर्ट। यू नो, आई रिक्वेस्ट दैट वी जस्ट रिस्ट्रिक्ट दिस टू क्वेश्चंस प्लीज। अरविंद जी, आप बोल तो रहे हैं कि आप 542 अच्छे और ईमानदार लोग लाएंगे,
लेकिन हम आप पर कैसे विश्वास करें कि वो अच्छे और ईमानदारी होंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज तो ये कि इनको कोई हम लोग टिकट नहीं दे। तीन चीजें हैं मोटे मोटे तौर पे। सिलेक्शन कैसे होगा? जब वो जाएंगे तो उनके कामकाज में वो बेईमानी नहीं करेंगे और बनने के बाद वो भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा डर है क्योंकि ये कुर्सी बड़ी डेंजरस है। तो सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पिछले तीन चार दिन से हम लोग पूरा पूरा दिन बैठ के दूसरे कंट्रीज को स्टडी करके कैसा प्रोसेस हम लोगों ने डिजाइन किया है। आप कभी हमारे ऑफिस में आइए, आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि उसमें हमारा बिल्कुल कोई रोल नहीं होगा और जनता उस कैंडिडेट को चूज करेगी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से होगा और जनता के सामने उसका पूरा खाका वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। आपको तीन महीने का टाइम देंगे, उसके खिलाफ जो सबूत है आप हमको दीजिए। दिग्विजय सिंह जी को भी हम सबूत के देने के लिए टाइम देंगे, अगर दिग्विजय सिंह जी के पास कोई सबूत है वो भी दे सकते हैं। दूसरी चीज, जीतने के बाद उस कैंडिडेट को ना लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, ना बंगला मिलेगा, ना सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, ना कोटा मिलेगा, ना MP MLA फंड मिलेगा। तीसरी चीज, अगर ये आंदोलन संसद में जाता है तो 10 दिन के अंदर जन लोकपाल बिल आना चाहिए और उसके अंदर प्रोविजन होना चाहिए कि अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ करप्शन का भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो 3 महीने के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए, 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा होना चाहिए ताकि उसको 6 महीने के अंदर जेल भेजा जा सके। तो अगर वो भ्रष्ट हो जाता है तो वो सीधा जेल जाएगा। और चौथी चीज कि अगर आप अपने MP से सेटिस्फाइड नहीं है तो राइट टू रिकॉल आना चाहिए, 5 साल तक उसकी वेट नहीं करनी है। यू शुड बी एबल टू रिकॉल दैट पर्सन विद इन। ओके, अंकित हैज अ क्वेश्चन। यस अंकित। Mr. Kejriwal, the Congress party is still living on the legacy of Mahatma Gandhi. A lot of people are now saying that now you rose up on the shoulders of Anna Hazare. You would be living off the name of Anna Hazare. And now Anna himself comes out and says that I won't even go and campaign for Arvind Kejriwal. Where is Arvind's political part? Where would it stand if Anna does not come? Because that's your, if I can use the word mascot, Anna is the mascot. And this is my first question. And the second, on a lighter note, is Arvind ko itna gussa kyun aata hai? Arvind is the angry young man. Arvind relax kaise karte hain? Nahi, mujhe gussa to nahi aata. Galat hai. Mujhe gussa nahi aata. Aur jo Anna ji ka statement dikhaya ja raha hai, mujhe lagta hai ki kuch na kuch kahin confusion hai. Because Anna ji ne hi isko political alternative ko announce kiya tha. So kal hum log milne ja rahe hain Anna ji se. Kal sham tak aapko clarification pata chal jayega. Yes. You know, we're running out of time, but Shiv has a question over there. Shiv, please go ahead. Shiv, go ahead. Mr. Kejriwal, the question is this. How difficult has it been for you, with all the things that you've said in all your speeches so far, to balance the personal relationships with the other people in Team Anna? And does it irritate you that the relationships you have with them are given so much attention? या दिस इज समथिंग हम कहते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में मैंने लिखा कि जी कोल में घोटाला हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया। अगले दिन अखबारों के अंदर ये नहीं छपा कि हमने चिट्ठी में क्या लिखा, अखबारों के अंदर ये छपा कि चिट्ठी पे अन्ना ने साइन नहीं किया। पहले तो अरविंद सारी चिट्ठियां अन्ना को दिखाते थे, अब अन्ना को चिट्ठियां दिखानी बंद कर दी। सो आई डोंट नो व्हाई जो फोकस है, कई बार हम कहते हैं भ्रष्टाचार हो गया, चोरी हो गई, 2 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, वो कहते हैं अरविंद की किरण बेदी से लड़ाई हो गई, मनीष ने जब गोलगप्पे खाए थे तो चटनी ज्यादा ले ली थी, इस तरह की चीजें उठाते हैं। तो कई बार ऐसे लगता है जैसे हम ही लोगों ने सारा कोयला खा लिया, इस तरह से वो होता है। तो राहुल बता पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है? नहीं, पर ये सच्ची बात तो है। जब मनीष और अभी आपकी थोड़ी सी सेटिंग में प्रॉब्लम, मेरी कोई सेटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, किरण जी से बहुत है आपके साथ, वो आ नहीं रही। नहीं, उनका साथ उन्होंने कहा कि अरविंद की पार्टी में वो आएंगे नहीं। मीडिया वही दिखाता है कहीं ना कहीं जो सच्चाई होती है, आपको ना अच्छी लगे वो अलग बात है। राइट, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब तक मीडिया अन्ना हजारे और पूरे ये एंटी करप्शन आंदोलन की तारीफ कर रहा था तब तक तो सब अच्छे थे। जैसे ही थोड़ी सी कवरेज हटी या बाकी खबरें आई तो आपने कहा अरे सरकार का प्रेशर आ गया। तो ये तो हकीकत है, जब तक सूट करता है तब तक ठीक है, जब नहीं सूट करता तो यही लोग खराब है। एक आखिरी सवाल लूंगा फ्रॉम द जेंटलमैन हैज गॉट बोथ हिज हैंड्स अप। आई हैव बीन कीपिंग माय हैंड्स अप सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। MP साहब, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हूं, ईस्ट दिल्ली। तो आप ये बताओ हमारी सरकार किससे मजाक कर रही है?
आप कह रहे हो आपके दिल में आशा है केजरीवाल जी आएंगे, ठीक है, आशा तो हमारे पास है, आपके हाथ में तो आशा है, आपको 2 करोड़ रुपए मिलते हैं एमपी फंड, कितने और पैसे मिलते हैं, आपने 3 साल से एमपीओ से पहले कितने दिन से आपकी मम्मी और आप नेता, आप मतलब पॉलिटिक्स में हो, क्या हुआ दिल्ली में अलग, वेयर आर वी, बोलते हैं शांघाई बनाएंगे पेरिस बनाएंगे, एक सड़क अगर कॉन्क्रीट की बनी होता बताओ, आप ये नहीं कह सकते मेरे पास पैसा नहीं है, ना ये कह सकते हो कि जनता का समर्थन नहीं है, और ठीक है ठीक है, मैं आपको पर्सनली अटैक नहीं करूंगा, आपकी गवर्नमेंट को करूंगा, ठीक है, अब अगर केजरीवाल जी कह रहे थे कि नहीं संदीप जी, इलेक्शन स्पीच, कीप योर क्वेश्चन, हाँ संदीप जी मुझे असिस्ट कर रहे हैं लेकिन उनकी पार्टी नहीं मानी, तो आपकी कॉन्शियंस इतनी क्लियर है तो यू क्विट कांग्रेस टुडे एंड ज्वाइन केजरीवाल सर। वो तो सबसे आसान चीज होगा लेकिन वो करने की कोई वो नहीं है, मेरे ख्याल से जहां मैं हूं इस समय कोई पार्टी कमजोर है आपको अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती है उससे मेरा निर्णय नहीं बदल सकता। मुझे लगता है जहां मैं हूं जिस विचारधारा से जुड़ा हूं जिस संगठन से जुड़ा हूं उसमें कुछ अपना है जिस कारण से मैं उसमें गया हूं, आप और हमारे में मतभेद हो सकता है उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक मैंने कहा अरविंद जी से विचार की दृष्टि से कई चीजों में हमारा मतभेद भी है, कई चीजों से हम एक दूसरे से मिलते भी हैं, पर उसका यह मतलब नहीं है कि हर व्यक्ति जो एक ही दल में हो वो हर चीज में एक दूसरे के साथ जुड़ता हो और हर व्यक्ति जो अलग दलों में हो वो हर चीज में एक दूसरे से मतभेद करता हो। ठीक है, अरविंद जी को स्वागत है फ्रॉम ओके द जेंटलमैन इन द व्हाइट शर्ट, यस ऊपर। तो मेरा क्वेश्चन अरविंद सर से है, सर 2009 में जब कांग्रेस जीती थी तो सर सिर्फ उनके पास 11 करोड़ वोट थे और सिर्फ वो उसकी वजह से ही जीती थी, तो सर अभी लोग सर टीवी देखते हैं और बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है करप्शन हो रहा है ये हो रहा है, सर सब लोग सो रहे हैं, सर आपको लगता है कि मतलब कि कांग्रेस इतने सालों से गवर्नमेंट चला रही है सिर्फ उनको ही 11 करोड़ वोट मिले तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी को वोट मिलेंगे जब आप इतना कर रहे हैं तो? हमारी पार्टी को नहीं आपकी पार्टी को, ये सर हमारी पार्टी को, सर आपकी पार्टी को वोट मिलेंगे जिस दिन आप घर से निकल के अपने सारे परिवार वालों के साथ कैंपेनिंग करने जाएंगे, जाएंगे आप सर? जाएंगे सर, जरूर जाएंगे। जब सारे लोग जाएंगे तो जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। थैंक यू सर। सर हमारा मीडिया यूथ को बहुत आइडियलाइज करता है, यस हमारा मीडिया यूथ को बहुत आइडियलाइज करता है। लास्ट ईयर नॉर्थ कैंपस और रामलीला मैदान में डीयू के स्टूडेंट यूनियन ने आपको बहुत सपोर्ट किया था, एक महीने बाद डीयू के इलेक्शंस हुए, वो सब कुछ कर एंटी करप्शन भूल के हमको फ्री राइड्स, फ्री बर्गर्स, फ्री चॉकलेट्स बांटने लगे। वी आर कॉल्ड द जुगाड़ जनरेशन, 17, 18, 19 साल पे हमारा मॉरल फैब्रिक अगर इतना वीक है तो आप एक स्थायी परिवर्तन की कितनी उम्मीद रख सकते हैं? देखिए जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए थे आपको, ये पिछले 60 साल में इस देश की व्यवस्था ने इस देश के लोगों को इतना भ्रष्ट बना दिया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये देश नहीं बदल सकता, ये देश नहीं बदल सकता, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। पिछले 1.5 साल में इस आंदोलन का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि अब अगर आप कई लोगों से पूछो, कई लोग कहते नहीं हो तो सकता है, कुछ तो हो सकता है और मेरी जिंदगी में ही हो सकता है, तो ये जो एटीट्यूड के अंदर बदलाव आया है ये बहुत बड़ी चीज है। अगर हम ये रातों रात सोचें कि अन्ना जी अनशन पे बैठे, 13 दिन अनशन पे बैठे और 13 दिन के बाद सारे देश के लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होने वाला, समय लगेगा, बहुत लंबा है। तो इसी कड़ी के अंदर जब आप इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं तो आपके अंदर भी परिवर्तन आता है। मुझे इस आंदोलन ने पिछले 1.5 साल में बहुत बदला है और इस देश के कई लोगों को बदला है, जिस उस पुलिस वाले को बदला है जिसने रिश्वत लेनी बंद कर दी, उस चोर को बदला है जो अपनी ऑल्टो गाड़ी वहां पे गुड़गांव में छोड़ के चला गया था, ऐसे ढेरों उदाहरण है जो लोग बदले हैं। तो विश्वास रखिए, आशा रखिए, मुझे लगता है भारत का भविष्य सुनहरा है और भारत जरूर बदलेगा। ऑन दैट नोट आई एंड दिस सेशन, वी डोंट नो हाउ मेनी सीट्स अरविंद पार्टी विल विन और लूज, बट इफ दे कैन एक्ट एज अ मॉरल फोर्स व्हिच फोर्सेस मेनस्ट्रीम पार्टीज लाइक द कांग्रेस एंड द बीजेपी टू गेट देयर एक्ट इन ऑर्डर, दैट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडियन पॉलिटिक्स। टू माई गेस्ट फॉर दिस सेशन, Arvind Kejriwal and Sandeep Dikshit, for joining us at the India Today Youth Summit. Thank you very much. Could I please request Mr. Ashish Bagga, Chief Executive Officer of India Today Group, to come up on stage and
and give our guests a token of appreciation. Let's hear it for Arvind Kejriwal and Sandeep Dikshit, please.